कच्चे गांव है, आप सभी के प्रयास से ही ऐसा संभव हुआ है। और ये कोविड पैंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में विराजमान है इस समय, और इससे बहुत नुकसान हुआ है हमारी जनता को, तो इससे बचने के यही उपाय है कि आप सभी सहयोग करेंगे तभी हम 100% कोविड वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आप सभी विशेष ध्यान देंगे। नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड 19 टीकाकरण हेतु संवेदीकरण एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाले गांव हैं डेढ़ पसार, ताला, हिम्मतगढ़, लोनियापुर, रामदेयपुर, भूसाहारी, ककवा, लोहरता, महाराजपुर। इस मौके पर अधिक से अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें कई ग्राम प्रधान समेत महिला पुरुष भी मौजूद रहे। अमेठी से यूथ कॉर्नर न्यूज संवाददाता अंकित एग्रेरी की विशेष रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में कोविड 19 का सफल पूर्वक गांव में टीकाकरण करवाने वाले गांव के ग्राम प्रधान को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर राम प्रसाद रहे। परियोजना निर्देशक आशुतोष दुबे भी कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अमेठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सौरभ सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार पटेल, ब्लॉक प्रबंधक अधिकारी लालमणि तिवारी, बीसीएम जयदीप सिंह, सुपरवाइजर रामचंद्र पाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ये खबर है अमेठी से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड 19 टीकाकरण हेतु संवेदीकरण एवं सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम अमेठी के 6 विकास खंडों में किया जा रहा है। के द्वारा आज यहां पे किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है? सभी विकास खंडों में ग्राम प्रधानों का संवेदीकरण कार्यक्रम उसके विकास खंड में कराया जा रहा है। उसके तहत आज ब्लॉक कमेटी में समस्त ग्राम प्रधानों का कोविड टीकाकरण को लगभग 100% 25 नवम्बर तक कराया है। जो कोई बहुत अच्छी बात है, हमारे ग्राम प्रधानों ने बहुत अच्छा यहाँ पर सहयोग दिया है, और 95% से अधिक टीकाकरण कराया है, उनको आज सम्मानित किया है। हमें आशा है कि 30 नवंबर तक हम लोग 100% अपने जनपद को फर्स्ट डोज की टीकाकरण करवा देंगे। ये अमेठी जनपद में आज कहाँ कहाँ किया जा रहा है कार्यक्रम? आज 6 विकास खंडों में किया जा रहा है, कल 7 विकास खंडों में किया गया था, टोटल 13 विकास खंडों को 2 दिन में हम लोगों ने कवर किया है। आज भी भादर और संग्रामपुर, भटुआ, अमेठी, तीन सब जगह आज भी कराया गया। ऊपर गांव है, उसमें कुछ ही लोग बचे हुए हैं, उनको 100% करने में आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना, 100% हो जाएगा। तो जो पीछे हैं उनको तो प्रयास करना ही करना है, उन सभी के बीच में आपका प्रयास होगा तभी वो जो है 100% वैक्सीनेशन हो सकता है। कि आपको भले ही इस तरह की बीमारी नहीं है, लेकिन आप फैला आप जो है, जैसे नौजवान लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं हमें तो कोई ऐसी बात नहीं, हम नौजवान हैं, हमें नहीं, उनको भी अंदर होगा, लेकिन उनके घर में जो वृद्ध प्रधान राजेश कुमार सीमा प्रधान लोहरता
प्रधान महाराज को नहीं क्या प्रधान रामदेव को जो 66-70% वाले हैं उनको प्रतिदिन अपने गांव में प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तभी जाकर 100% को पाएंगे। और जहां पे हमारी टीम नहीं जा रही है, सौरभ भाई हमारे बीच में, नर्सेज हमारी, फार्मासिस्ट हमारी, आरबीएसके की टीमें हमारी सभी लगी हुई है, प्रयास कर रहे हैं कि पूरी जनता 18 साल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कम समय में कवरेज कर लिया जाए। पूरे देश से, पूरे प्रदेश से, पूरे हमारे जनपद से अंकु माला प्राण पत्र खतरी प्राण ठंडा सुदामा देवी आप बीपीएम डीसीपीएम हमारे उपस्थित थे, हमारे सभी के बीच में उपस्थित प्रधान जी, सम्माननीय प्रधान जी, प्रतिनिधि प्रधान जी, अन्य उपस्थित थे।